हेलो गाइस, दिस इज सरप्राइज म्यूजिक एंड आई एम बैक विद अ न्यू ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो है अबाउट हाउ टू मिक्स हिप हॉप बीट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रम्स से शुरू करते हैं। तो ड्रम्स में सबसे पहले हमारे पास किक आती है। तो किक पे मैंने पहले EQ किया है, जैसे जो ये फ्रिक्वेंसी है इसको बूस्ट किया है एंड 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज कट की हैं। उसके बाद ट्रांसियर शेप पर लगाया है कि जो हमारा हिट है वो ज़्यादा आए। ट्रांजियंट शेपर के बिना ऐसी साउंड है। इसके साथ तो आप सुन सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। एंड उसके बाद स्नेयर पर सिर्फ EQ किया है, इसमें से यहाँ से आप 100 हर्ट्ज़ तक कट कर सकते हैं। तो हेयर्स में भी जैसे इसको जो हमारे एक्स्ट्रा लोज हैं वो कट कर देनी है। क्रैश में भी, क्रैश पे मैंने यहाँ पर शेपर बॉक्स लगाया है, पैन किया है। जब क्रैश आता है तो लेफ्ट राइट होता है, तो आप अगर ध्यान से किट के गाने सुनते होगे तो क्रैश उसका पैन हो रहा होता है। मेरा ये रहता है कि लोज जो हमारे हैं वो हर चीज़ में से कटो। ये हम यहाँ से इसमें से उठा कर सेव प्रीसेट इसमें भी डाल देते हैं। ओपन हाई हैट में कुछ यूज़ नहीं किया है। उसके बाद कर में भी वैसे कुछ यूज़ नहीं किया है, इसको भी हम यही प्रीसेट उठा कर यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ टैम्बरिन आती है, इसमें भी हम यही उठाकर रख देते हैं। तो जो लोज हैं हमारे वो ध्यान रखना है कि जिसमें ज़रूरत नहीं है तो वो कट कर दें। जैसे हमारे जो हाई हेड्स वगैरह हैं इनमें लोज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ये हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में आते हैं मोस्टली। तो जो हाईज होते हैं जैसे क्रैश हो गए, सिम्बल्स हो गए, तो ये हमारे यहाँ पर इस हाई फ्रिक्वेंसी में आते हैं। तो आपने ध्यान कोशिश करनी है कि ये जो पार्ट है बिल्कुल कट कर देना है। जो पर्टिकुलर साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने रखनी है और जो एक्स्ट्रा है वो कट कर देनी है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी मिक्सिंग की साउंड है वो बहुत ज़्यादा बेटर आती है। तो हमारे जो ड्रम्स पे इफेक्ट लगे हैं, ये 3 इफेक्ट हैं। पहले ये सोसेज पैटर्न लगाया है, तो सोसेज पैटर्न के बिना ऐसी साउंड है। उसके साथ उसके बाद मैंने सेंड यूज़ किया है। सेंड में मैंने रिवर्ब रखी है। तो सेंड में क्या होता है कि जो हमारी ओरिजिनल साउंड है वो तो वही रहती है, उसके साथ एक और उसकी जैसे डुप्लीकेट बन जाती है और उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उस पर इफेक्ट लगा सकते हैं और उसके साथ उसको जो हमारी ओरिजिनल साउंड है उसके साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम रखी हुई है। तो एक हिसाब से जब हम सेंड ऐड करते हैं तो हमारी 2 लेयर्स हो जाती हैं। बट ये जो साउंड है ये इस इफेक्ट के साथ आ रही है। ये ड्राई भी हमारी रहती है और एक अलग से जो डुप्लीकेट होती है उस पर हमारे इफेक्ट लगा सकते हैं, उसको जैसे हम चाहें उसको लेफ्ट राइट पैन कर सकते हैं, कोरस इफेक्ट लगा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो इसको मैंने कम ही रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर साइमेटिस का ओरिजन जो फ्री प्लगइन है ये यूज़ किया है। इसको मैंने रीसेट मार के सिर्फ सैचुरेशन अप की हुई है, 50% इसके सैचुरेशन रखी है। तो इसके बिना ही ऐसी साउंड करता है। साथ में तो ये हमारी ड्रम बस पे प्रोसेसिंग हुई है। तो सेंड बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो मेन हमारी साउंड है उसको हमने किसी दूसरे खाली इंसर्ट में साइड चेन करना है। यहाँ पर जाकर सिलेक्ट करके साइड चेन टू दिस ट्रैक, जो हमारा मेन साउंड है उस पर हमने फ्रूटी सेंड का प्लगइन लेकर जो आपने इंसर्ट पे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे रूम मैंने लिखा हुआ है, रूम सिलेक्ट कर लिया, तो बस यही चीज़ है। और जो आपका इंसर्ट है उस पर आपने इफेक्ट अपना लगा लेना है, जो भी आपने लगाने हैं। तो आप सुन भी सकते हैं इफेक्ट आपका क्या साउंड कर रहा है।
तो ये आपने ओरिजिनल साउंड ऑन कर लेनी है। तो जो हमारा ये सेंटर है, इस पे मैंने यहाँ से मडी फ्रिक्वेंसीज को कट किया हुआ है। तो या ये ड्रम्स की प्रोसेसिंग है। तो उसके बाद म्यूज़िक पार्ट में सबसे पहले गिटार आती है। तो सबसे पहले मैंने इसमें से बेस कट की हुई है और उसके बाद और इसको मैंने यहाँ पर मोनो में रखा हुआ है एंड यहाँ से हाईस कट की हुई है कि हमारे जो हाई हेड्स वगैरह आते हैं हाई फ्रिक्वेंसी में उसके साथ क्लैश ना करे, तो उसको जो प्रॉपर उसका रूम है वो मिले हाई हेड्स को, जो हाई फ्रिक्वेंसी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मिड में से इसकी ये फ्रिक्वेंसी कट की है, यहाँ से मिड साइड में से मिड साइड लेकर यहाँ पर इसका मिड में मैंने मिड कट किया हुआ है। तो आप सुन सकते हैं कि कितनी मडी सी साउंड है। तो ये मिड में से मैंने ये कट कर दिया है। तो यहाँ पर भी कट किया, ये स्टीरियो कट किया हुआ है। ये मैंने कट की हुई है। उसके बाद कोर्ड्स आते हैं, कोर्ड्स में पियानो और वोयलन है। तो आप सुन सकते हैं कि जो हमारा ये वोयलन है ये हमारा लेफ्ट में आ रहा है, यहाँ से देख भी सकते हैं यहाँ से स्पेक्ट्रम में। और हमारे पियानो राइट में आ रहे हैं। तो ये इससे क्या होता है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो कवर हो रहा है और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लैश नहीं करी, क्योंकि हमारा गिटार जो मेन साउंड है वो मिड में आ रही है बट ये दोनों साउंड लेफ्ट राइट में आ रही है। तो आपने फ्रीक्वेंसीज के साथ साथ स्पेक्ट्रम को भी देखना है कि वो भी हमारा क्लैश ना हो। उसके बाद हमारे पास है तो जो हमारी वोयलन है इस पर मैंने सैचुरेशन लगाया है। तो इसमें मैंने बेसिक सैचुरेटर जो प्रीसेट है इसका वो यूज़ किया है एंड उसके बाद EQ किया है, तो इसके अनवांटेड लोज हैं वो कट किए हैं, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो ये वाली फ्रीक्वेंसीज हैं वो कट कर दी हैं। तो ज़्यादा इस पर कुछ किया नहीं है। उसके बाद जो हमारे पियानो है इसको भी EQ किया है, जो इसकी ये वाला फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है जिसका ये वाला हिस्सा है जो ये 200 से 500 के बीच का जो एरिया है इसको बूस्ट किया है, क्योंकि ये काफ़ी ये जो हमारा एरिया है ओवरऑल अगर मास्टर में मैं सुने तो वो भी बहुत कम आ रहा है, तो इसलिए इसको बूस्ट किया है। एंड जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं तो जो बहुत ही ज़्यादा जैसे कान में जो दिक्कत करती हैं जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं, जैसे अगर आप सुने ये वाली। तो इसको मैंने कट किया है जैसे ये वाली। तो इससे इसके बिना ये ऐसी साउंड करता है। तो और तो इस पर ज़्यादा कुछ किया नहीं है और इसको रिवर्ब दिया सेंड में सेंड करके, तो डिले भी लगाई हुई है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी ओरिजिनल साउंड है वो भी रहती है बट उसके साथ जो इफ़ेक्ट है वो उसका अलग से पार्ट बन जाता है, तो उस पर आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो EQ किया है जो रिवर्ब को, इसको मैंने EQ भी किया है, हाईस कट किए हैं और जो इसका लो है वो भी कट किए हैं, सिर्फ ये पार्ट रखा है। तो और साउंड मडी साउंड नहीं करेगा, आप अपने हिसाब से उस इफ़ेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने डिले लगाई हुई है। तो उसके बाद हमारे पास है फिला गिटार का, इस पे भी डिले लगाई हुई है, उसके बाद रिवर्ब लगाई हुई है बहुत ज़्यादा। तो इसमें मैंने जो रिवर्ब है वो बहुत कम रखी है, लोज़ इसमें से कट कर दिया है, जो हमारा जो इफ़ेक्ट वाला लोज़ है वो कट हो जाएगा, तो जो हमारी ओरिजिनल साउंड है वो मडी नहीं लगेगी। आप सुन भी सकते हैं कि कितना इफ़ेक्ट आ रहा है यहाँ से ड्राई वेट जो नोब है इसको डाउन करके।
तो इसको आप सुन भी सकते हैं, जो आपका इफेक्ट है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। उसके बाद EQ किया है, लोज़ कट किए हैं, और जो ये वाला पार्ट है इसको कट किया है, क्योंकि ये मैंने पियानो में बूस्ट किया है तो उसके साथ क्लैश नहीं करेगा। एंड उसके बाद पैन, इसको लेफ़्ट राइट पैन किया हुआ है, जब ये पार्ट आता है तो इधर से उधर जाता है हमारा जो ये गिटार है। बस यही है सारा, इंस्ट्रूमेंट हो गए, ड्रम्स हो गए, इफेक्ट्स में तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है, बस इसमें भी लो कट किया हुआ है, और जो ये वोकल आती है इसको भी लेफ़्ट राइट पैन किया हुआ है। उसके बाद जो बेस लाइन है, तो हमारी जो मिड में मिड बेस है उस पर मैंने डिकैपिटेटर लगाया B50 सेट यूज़ करके, एंड यहाँ से फ्रीक्वेंसी कट की हुई है, जैसे और सब ये पार्ट मैंने रखा हुआ है। तो ये मैंने डिप यहाँ पर ये किया है, क्योंकि जो हमारी किक है वो उसमें मैंने ये फ्रीक्वेंसी जो बूस्ट किया है और बेस में से मैंने कट किया है। इससे क्या होता है कि जो हमारी किक है उसको स्पेस मिलती है सॉन्ग में ज़्यादा पावरफुल शो होने के लिए। जो हमारी सब बेस आती है उसमें से मैंने सिर्फ उसको मैंने सब में इसमें मैंने ये वाली फ्रिक्वेंसी कट कर दी है। ये इसलिए किया है क्योंकि जो जे हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी इस बेस में आ रही है, तो कंबाइन करके ये ऐसी साउंड है। एंड जो मेन बस बनाई है मैंने, तो इसके मैंने लिमिटर लगाकर किक से साइड चेन किया है, जब किक आती है हमारी तो ये हमारी साइड चेन होती है, तो आप देख भी सकते हैं। तो ये कैसे करना है कंप्रेसर में, तो पहले आपने किक है इसको सेलेक्ट करके, बस जिस पे भी आपने साइड चेन करना है, साइड चेन टू दिस ट्रैक, एंड इस ट्रैक में आपने लिमिटर लगाकर यहाँ कंप्रेसर में जाकर सेलेक्ट कर लेना है जिसके साथ आपने ये साइड चेन करनी है। जैसे मैंने किक के साथ करनी है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। रेशो मैं हमेशा हाई रखता हूँ, नी भी फुल रखता हूँ, और बस उसके साथ उसके बाद आपने अपना जो थ्रेशोल्ड है वो आपने एडजस्ट करना है। तो यही थी इसकी मिक्सिंग कि कैसे मैंने इसको मिक्स किया है। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।